Hey friends, this is SJ and this is my channel eGurukul for UPSC, and this is my new logo for the channel. Please do subscribe, like if you find it helpful, and share to friends who are preparing for UPSC any exam. Okay, so today's lecture is chapter number 7, class 7th, Science and Tech, NCERT. And this lecture is continuation of our basic science and tech series for UPSC. Chapter name is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Hindi mein kahe to mausam, jalvayu evam jalvayu ke anurup jantu dwara anukulan. Okay, so lecture will be in both Hindi and English. Hamara lecture Hindi aur English dono language mein rahega. Okay, so for Hindi medium aspirants also. So सबसे पहले, what is weather, मौसम क्या होता है? देखिए, मौसम daily जो conditions होती है with respect to temperature, humidity and rainfall during the 24 hours. Okay, so basically temperature, मौसम डे टू डे फेनोमेना होता है. ओके, ह्यूमिडिटी क्या होती है? मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर. मॉइस्चर होता है वाटर कंटेंट इन एयर. ओके, आपने देखा होगा, यू मे हैव सीन ए पिक्चर लाइक दिस इन योर न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में इस टाइप की पिक्चर होती है जो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर किसी सिटी, पर्टिकुलर सिटी का बताती है वो पर्टिकुलर डे के लिए. ओके, सो नेक्स्ट इज रेन गेज. व्हाट इज रेन गेज? ये देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेन को, बारिश को मापने के लिए होता है. बेसिकली ऊपर से एक सिलेंड्रिकल, बेसिकली टोटल सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ऊपर एक फनल टाइप होता है टू कलेक्ट द वाटर, वाटर को कलेक्ट करने के लिए. सो व्हाट इज द वेदर? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. ओके, और इसके एलिमेंट्स, मौसम के घटक, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, इनको मौसम के घटक या एलिमेंट्स ऑफ वेदर बोलते हैं. ओके, सो ये डे टू डे चेंजिंग फेनोमेना है. हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ये किससे मापे जाते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जब हमने पढ़ा था. ओके, सो मैक्सिमम टेम्परेचर किसी जगह का होता है बेसिकली आफ्टरनून सेशन में जनरली, और मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग सेशन में. ठीक है, क्योंकि सन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. यहाँ पे दिया भी गया है, चेंजेस वेदर आर काज बिकॉज ऑफ सन. ऑल चेंजेस इन वेदर आर काज बिकॉज ऑफ द सन. सो सन इज़ द ह्यूज पेयर ऑफ गैसेज विद वेरी हाई टेम्परेचर. इसके बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए. ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा अगर आपको नहीं पता. वेदर था डे टू डे चेंजिंग फेनोमेना. ठीक है, वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स. मतलब आप मान लीजिए पिछले लगभग 25 साल का हम एक एवरेज वेदर पैटर्न लेते हैं. वेदर होता है डे टू डे, वाइल क्लाइमेट इज एवरेज वेदर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन से 25 ईयर्स यहाँ पे बोला गया है. सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया गया है श्रीनगर का और तिरुवनंतपुरम का, केरला की कैपिटल का. और ये क्लाइमेट कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली एग्जाम्पल में बोला गया है हॉट क्लाइमेट होगा जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, जैसे हॉट एंड वेट होगा, जैसे हाई टेम्परेचर के साथ रेनफॉल भी अच्छा खासा होता होगा. थर्ड इज हॉट एंड ड्राई, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा लेकिन रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, तो ये किस टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गए किसी जगह के. नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस. एडेप्टेशन का मतलब होता है एडेप्ट करना किसी जगह के क्लाइमेट को. तो क्लाइमेट का प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है. प्रोफाउंड मतलब गहरा इफेक्ट होता है क्लाइमेट का किसी जगह पे रहने वाले जीवों के ऊपर. ठीक है, जैसे कि एनिमल्स का, यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ेंगे एनिमल्स का. तो
बेसिकली दो जगह का एग्जांपल बताया गया, पोलर रीजन्स में एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो पोलर रीजन में बोला गया कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, 6 महीने के लिए तो वहाँ पे सिर्फ सन उगता है जो कि बिल्कुल भी नहीं जाता, वाइल फॉर 6 अदर मंथ्स देर इज़ नो सन एट ऑल। सो मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है पानी की। तो वहाँ पे क्या क्या एनिमल रहते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे इस कंडीशन को अडेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली रहते पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो इन दोनों को बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बियर्स का इनकी वाइट फर होती है, नॉट इजली विजिबल, सो क्योंकि स्नो रहेगा माइनस में है टेम्परेचर 0 डिग्री पे, आपको पता है कि पानी भी जम जाता है तो वहाँ पे बर्फ ही मिलेगी आपको, तो इनकी वाइट फर होगी तो ये उसी कलर के दिखाई देंगे, तो ये ईजिली हाइड हो सकते हैं। सो इनको हाइड होने की किससे ज़रूरत है, इनको प्रीडेटर शिकारियों से हाइड होने की ज़रूरत है, और अगर ये खुद शिकार करना चाहते हैं दूसरों का कैच देयर प्रे, तो इनको भी हाइड होके उन पर अटैक करने के लिए ईजी होता है। इनके देखिए ये इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है, एक मोटी फैट की परत से, इसलिए इनको बहुत ही स्लो मूव करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये और हीटेड हो जाएंगे इतनी ठंड में भी। ऑन वार्म डे ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अदरवाइज़ ये और हीटिंग हो जाएगी इनकी इससे भी। और ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, कैन स्विम अंडर वाटर ऑल्सो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, ठीक है, लंबे समय तक अंडर वाटर स्विमिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे होते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद पेंगुइन्स का बताया गया, इनके देखिए शार्प क्लास होते हैं जिन जो कि लॉन्ग एंड कर्व्ड होते हैं इस टाइप में, आपके देख सकते हैं इनके हाथों पे ये, ठीक है, जो क्योंकि ये अदरवाइज ऐसे शार्प रहते हैं जिससे कि ईजिली बर्फ में ये पकड़ बना सकते हैं, अदरवाइज ये स्लिप हो जाएंगे। सो दीज हेल्प टू वॉक ऑन आइस ऑल्सो। नेक्स्ट इज पेंगुइन, पेंगुइन के फीट आप देखिए कितने टफ दिखाए गए, कितने देखने में बहुत अच्छी लगती है पेंगुइन। पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर, ठीक है, इसलिए गुड स्विमर होते हैं। और इसके अलावा अदर एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं, फिशेज, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सीज, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए बर्ड ये सब तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बर्ड कैसे सर्वाइव करते हैं, बर्ड क्या करते हैं, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में इनके कोई परत नहीं होती जैसे पेंगुइन्स और इन पे रहती है, तो ये क्या माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट मतलब जब ठंडी पड़ती है 6 मंथ में, और तो उस 6 मंथ में ये उड़कर दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में भी कुछ बर्ड्स आते हैं, जैसे भरतपुर राजस्थान में आते हैं साइबेरियन क्रेन, सुल्तानपुर झील जो लेक है सुल्तानपुर इन हरियाणा नियर गुरुग्राम, वहाँ पे भी ये आते हैं, ठीक है। मैमल भी माइग्रेट करते हैं बोलते हैं, फिशेज एंड इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं। देखिए बर्ड इतने इनका अच्छा ब्रेन होता है कि ये 15,000 किलोमीटर के लगभग उड़कर चले जाते हैं और वापस वहाँ पे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, देखिए आपको पता है ये इक्वेटर हो गया, इसके इस साइड में और इस साइड में ट्रॉपिकल्स कंट्री होती है, जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल बेल्ट जिसको बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड में, ठीक है, और लास्ट में जाके यहाँ पे पोलर रीजन दोनों साइड होता है, नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया। तो अभी ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ जो इक्वेटर के नज़दीक होता है, तो इक्वेटर के नज़दीक है तो यहाँ पे जनरली हॉट होगा क्योंकि सन डायरेक्ट आप पड़ता है यहाँ पे, तो इंडिया भी ट्रॉपिकल के कंट्री इक्वेटर के नज़दीक है, तो हम भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडरेट टाइप की कंडीशन भी रहती है, 15 डिग्री में मिनिमम टेम्परेचर रहता है समर्स में, और मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है, सॉरी समर्स में 40 डिग्री सेल्सियस, विंटर में 15 डिग्री सेल्सियस, और लगभग डे और नाइट इक्वल रहते हैं,
और हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं कंट्री में? वेस्टर्न घाट्स मतलब केरला साइड में, असम में, साउथ ईस्ट एशिया अगर हम पूरे कंटिनेंट की बात करें, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, अदर कंटिनेंट की बात करें तो। और मेजर टाइप के एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं? मंकी, एप्स, गोरिलास, टाइगर, एलिफेंट्स, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन जो इन रेन फॉरेस्ट की होती है, हाईली सूटेबल होती है फॉर नंबर ऑफ ज़्यादातर बहुत सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, देखते ये रेड आई फ्रॉग है जो यहाँ पे मिलता है, देखिए इसकी आंखें कितनी प्यारी है, ठीक है। इस अपने आप को इसने ऐसे एवोल्यूट किया है, एवोल्यूशन किया है, विकास किया है कि ये इसके जो इसके स्टिकी पैड्स है इसके फीट पे, जिससे आसानी से ये ट्री पे चढ़ जाता है, ठीक है। कोई मंकी है, कोई फ्रॉग ऐसे चढ़ नहीं पाता है। और एक ये न्यू वर्ल्ड मंकी यहाँ इसकी अट्रैक्शन है, ठीक है। बिग कैट्स है, लाइन्स एंड टाइगर्स। इसके बाद ये टोकन है, ये इसकी बीड्स, इसकी चोंच बहुत लंबी है जो ईजिली ये चीज़ों को पकड़ सकता है, खा सकता है। सो यही इसमें बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट है। ये इंडियन एलिफेंट भी इनमें पाया जाता है। सो ये आप व्हाट यू हैव लर्न्ड इनके गो थ्रू हो जाइए, वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, सिक्स मंथ में सन डज नॉट सेट इन पोलर रीजन्स, ओके। माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श कोल्ड कंडीशन, ये मैंने जैसा आपको बताया। सो इनके गो थ्रू ये, तो समरी इसकी यही है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे रेड आई फ्रॉग है, पोलर बियर्स, और इनकी मोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनको आप पढ़िए, और वेदर और क्लाइमेट के बीच क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। सो आई होप इट इज़ बेनिफिटेड वीडियो लेक्चर फॉर यू। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको तुरंत पता चल जाए, ओके। सो दिस इज़ माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक